अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन जो बन रही है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आज आप मेरे चैनल पर नया हैं, कंटेंट पसंद है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो होने जा रही है, आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट मैं कवर करूँ। तो दोस्तों ये पहले भी मैं कवर कर रहा था लेकिन मैंने बीच में इसे कम कर दिया, क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी जिस वजह से इस प्रोजेक्ट का जो फ्यूचर है वो अंधकार में दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ऐसे बड़े बड़े डेवलपमेंट इस बीते हुए महीने में हुए हैं जून के, जिसमें हम कह सकते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पुरानी सरकार जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अब उनकी ही सरकार वापस आ रही है एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाते हुए। तो दोस्तों इस सरकार से ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि ये लोग वो काम जरूर करेंगे जो पिछली गवर्नमेंट आई थी उसने स्टे लगा दी थी बहुत सारे कामों में। दोस्तों ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ना ही किसी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन जो चीजें जमीन पर थी सच थी। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL संभाल रही है। उस कंपनी के इंजीनियर्स का भी साफ साफ कहना था कि किस तरीके से महाराष्ट्र में काम बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो दोस्तों 508 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में 320 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन जो कि जापान के द्वारा हमारे को दी जाएगी, 2 घंटे 7 मिनट में केवल ये ट्रेन 12 रेलवे स्टेशन को कवर करेगी। गुजरात के साबरमती से शुरू होकर महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक इस ट्रेन को जाना होगा और ये ट्रेन एक बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए ट्रैक के ऊपर चलेगी। बाकी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, इससे पहले कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मोदी जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करी जा रही है। तो पिछले महीने जब हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने इंस्पेक्शन किया प्रोग्रेस का पूरा, और वहां पर जब मीडिया ने उनसे पूछा किस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहा है तो उन्होंने बताया कि हमने जो टारगेट अपने सामने रखे हैं तो हम उनको अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो अचीव होने की संभावना भी है। उन टारगेट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी जब उनसे ये पूछा गया कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है तो उन्होंने बताया कि वहां की सरकार भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र में हमें कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। महाराष्ट्र में मेनली अटका हुआ है पेज यहाँ पर कि वहां पर सिर्फ 71% ही अभी तक भूमि का अधिग्रहण हो पाया है। तो 71% ही एक्विजिशन अगर अभी तक लैंड का हुआ है तो ये बहुत ही धीमा काम माना जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो तभी होगा जब तक उनको भूमि नहीं मिलेगी और महाराष्ट्र की सरकार वो भूमि देना नहीं चाहती है उनको। 2.5 साल का वक्त हुआ था इस सरकार को जो स्टे लगा रही है इन सब चीजों पे, तो उनके मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे जी। इसी साल अप्रैल में उनको एक मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फ्लैग ऑफ करने के लिए बुलाया गया था, तो वहां पर उन्होंने भाषण दिया था कि वो अगेंस्ट है इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के, क्योंकि उनको जो इसका रूट है वो फिजिबल नहीं लगता या फिर उनको बेनिफिशियल नहीं लगता महाराष्ट्र के लिए ये रूट। उन्होंने कहा कि नागपुर और महाराष्ट्र के बीच में ऐसा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट होना चाहिए था। बाकी वहां पर भी एक प्रोजेक्ट होगा दोस्तों आगे चल करके, वहां पे भी एक प्रपोज्ड है जो सबसे पहला प्रोजेक्ट चल रहा है ये, इस पर उन्होंने बात यही कही कि वो अगेंस्ट है इसके, तो साफ साफ बात निकल के आती है कि वो लोग इसे बनने नहीं देंगे। दोस्तों ये एक गुड न्यूज ही मानी जाएगी, बुलेट ट्रेन को आप चाहते हैं इंडिया में आए तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है और मेरे लिए भी, मैं भी चाहता हूँ। तो दोस्तों एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार आई है ये जरूर से जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम दोबारा से शुरू करवाएगी। दोस्तों ये प्रोजेक्ट 2013 में एक मेमोरेंडम से शुरू हुआ था, तो 2013 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड जापान फॉर फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ हाई स्पीड रेल सिस्टम। तो इस तरीके की हाई स्पीड रेल सिस्टम का जापान में तो बहुत आम है, जापान की बुलेट ट्रेन, तो इस तरीके की फिजिबिलिटी या इंडिया में जांचने के लिए जापान को काम दिया गया। फिर ये पेजों पे आया, फिर पेजेस के बाद ये अब जमीन पर उतरा, गुजरात में तो उतर ही चुका है। अब 1.1 ट्रिलियन रुपीस में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है फंड कर रही है इस प्रोजेक्ट का, जो कि इस प्रोजेक्ट की पूरी फंडिंग का लगभग 81% होता है। तो एंटायर प्रोजेक्ट में लगभग मैक्सिमम पैसा जापान ही लगा रहा है। जापान इसमें अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी HSR जो कि टेक्नोलॉजी है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्स, उसका यूज कर रही है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बेस्ट क्वालिटी के ट्रैक्स तैयार होंगे, पियर्स तैयार होंगे, उनके ऊपर स्पैन रखे जाएंगे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के, जो कि बहुत लाइफ टाइम टिके भी रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट स्पीड्स में अचीव कर पाएगी बुलेट ट्रेन, भारत की पहली। चलिए दोस्तों आपको अब मैं करंट अपडेट भी दे देता हूँ। NHSRCL हमेशा वीडियो डालता रहता है और हर महीने का अपडेट देता रहता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है ये सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको इसमें वीडियो भी दिखा दूंगा आखिरी में। बाकी जो बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है वो भी उनकी ऑफिशियल वीडियो ही है। दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में 508 किलोमीटर को किस तरीके से बांटा गया है, यहाँ पर लगभग 12 रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार हैं। साबरमती जंक्शन से शुरू होकर ये गुजरात के अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद डिपो बीच में पड़ता है, उसके बाद अहमदाबाद के बाद आनंद, वडोदरा, फिर एक और मेंटेनेंस डिपो बीच में पड़ेगा, फिर बहरूच, फिर सूरत डिपो पड़ेगा बीच में, फिर सूरत बिल्ली मोरा,
और फिर बैंद्रा डिपो पड़ेगा बीच में। आखिरी रेलवे स्टेशन गुजरात का वापी होने वाला है और वापी के बाद फिर बोईसर जो कि महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन पड़ने वाला है इसकी शुरुआत होगी। फिर वहां से एक और मेंटेनेंस डिपो बीच में पड़ेगा, फिर विरार, फिर 21 किलोमीटर का एक टनल आएगा जो कि अरेबियन सी में बनाया जा रहा है दोस्तों, और इसके बाद फिर पुणे और थाने डिपो बीच में पड़ेगा, फिर वर्कशॉप आएगी, उसके बाद थाने टू मुंबई बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से ये रूट होने जा रहा है दोस्तों। अभी हाल ही में वैष्णो जी ने बताया है कि 61 किलोमीटर का स्ट्रेच सूरत से बिल्लीमोरा के बीच में जो कि गुजरात में है, सबसे पहले वहां पर ही ट्रायल रन भी होंगे और वहां पर ही सबसे पहले सर्विस की शुरुआत होने की संभावना है। 2026 बताया जा रहा है दोस्तों कि ये काम पूरा हो पाएगा बिल्लीमोरा से लेके सूरत का। सूरत और बिल्लीमोरा के बीच में ये दूरी लगभग 50 किलोमीटर की होगी और उसके बाद दोस्तों गुजरात में एंटायर रूट जो है 2028 में पूरा होने की संभावना बताई जा रही है। अब प्रोग्रेस की बात बताऊं दोस्तों, बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स, थाने, विरार, बोईसर, तो यहाँ पर तो कोई ज्यादा काम देखने को भी फिलहाल नहीं मिल रहा है। सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती, यहाँ पर बड़े मेन काम चल रहे हैं। और पीछे आपको बैकग्राउंड में वीडियो जो चलती दिख रही है उसमें अभी अभी जून की ही अपडेट बताई गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। पियर्स बिछाने का काम गुजरात में बहुत तेजी से हुआ, सूरत में, भरूच में, वडोदरा में, अहमदाबाद में, बहुत तेजी से यहाँ पे पियर्स को बिछा दिया गया और अब इनके ऊपर जो स्पैन कास्टिंग का काम है वो धीरे धीरे चलना शुरू हो गया है। इसमें जो स्पैन रखने की टेक्निक है वो प्रोग्रेसिव स्पैन रखने की टेक्निक का यूज़ करा जा रहा है जापान की, जिसमें धीरे धीरे एक स्पैन को पहले रखा जाता है, फिर जब वो अपने सपोर्ट पर इंडिपेंडेंट तौर पर रहने योग्य हो जाता है उसके बाद आगे बढ़ा जाता है और अगला कंसिक्वेंट स्पैन रखा जाता है। वडोदरा में भी स्पैन रखने का काम शुरू हो चुका है दोस्तों वलसाड में पियर्स खड़े करने का और साथ में एक वलसाड में टनल का काम जो है वो अभी शुरू हो चुका है। नवसारी में भी दोस्तों स्पैन कास्टिंग यार्ड बनाया जा चुका है और वहाँ पे भी काम जारी है और नवसारी में पियर्स का भी काम कंप्लीट लगभग हो चुका है दोस्तों। भरूच में रिवर के ऊपर वेल फाउंडेशन का वर्क चल रहा है, तो यहाँ पर जो पियर हैं बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं कंप्लीट इस साल के एंड तक। तो दोस्तों गुजरात में 2028 तक अगर पूरा फंक्शनल होना है इस प्रोजेक्ट को तो इसके लिए इतनी तेजी तो बनती ही है और यही कारण है कि गुजरात में 99% तक लैंड का एक्विजिशन का काम बहुत जल्दी कर लिया गया था, क्योंकि गुजरात में भी वही सरकार है जो कि सेंटर में है और प्रोजेक्ट सेंटर का है तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का कोई गैप नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की अपडेट थी, तो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव निकल के आ रही हैं। आप लोगों को भी अगर लोकल जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय।